भोजपुरी से जी नहीं, भोजपुरी बहुत सुंदर भाषा होगी, आपके क्षेत्र की भाषा है, भाषा का सम्मान है। हम आपको अपने क्षेत्र में कानूनी अधिकार नहीं देंगे, इसकी लड़ाई है। क्योंकि जो हमारा कोडरमा है, हजारीबाग, गिरिडीह जो झारखंड के जिले हैं, वो जिला लोग सटा हुआ है बिहार से, और जो सीमा है वहाँ बिहार के उस पार जमुई वगैरह कुछ नाम ले रहे हैं साथी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, वहाँ भी खोरठा बोली जाती है, बिहार की सीमाओं में खोरठा बोली जाती है। तो मेरे भाइयों क्या बताइए, खोरठा को बिहार में भाषा का मान्यता है? नहीं है, लेकिन वे लोग खोरठा बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार आप कहीं रहे, धनबाद रहे, बोकारो रहे, आप भोजपुरी बोलते हैं, अच्छी बात है, काम धंधा करते हैं, अच्छी बात है, और भी कुछ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको यहाँ कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा। इसकी लड़ाई है भाई, सीधा लड़ाई एकदम रहेगी, क्योंकि राज का बंटवारा ही भाषा संस्कृति परंपरा के आधार पे हुआ है। जब हमारी भाषा आपके राज्य में नहीं है तो आपकी भाषा हम क्यों स्वीकार करेंगे? बिल्कुल व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, ना कोई हिंसा की लड़ाई है। देखिए मेरे कुछ साथी गुजरात से फोन किए, उन्होंने खाली इतना परिचय दिया कि हम गुजरात से हैं, तो क्या बोला पता है, सॉरी झारखंड से हैं, गुजरात में उन्होंने परिचय दिया कि हम झारखंड से हैं, तो उसको बोला, अरे यार तुम तो इतना अमीर राज्य से है, तो यहाँ नौकरी करने आया अभी, माने दिहाड़ी मजदूरी, तो हमें शर्म लगता है, ये सच्चाई है। झारखंड कुछ अमीरों का बन के रह गया है, ऊपर से ये राज्य अतिक्रमण, सब राज्य के लोग यहाँ आके नौकरी कर सकते हैं, यहाँ जाति आवासीय बना सकते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए भाई। सबका अपना अपना डोमिसाइल है, तमिलनाडु में तमिल लोगों का डोमिसाइल बनता है, केरला केरला के लिए है, बिहार बिहारी के लिए है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया के लिए है, उड़िया के लिए उड़ीसा है, तो झारखंड सबका क्यों मेरे साथियों? आप ही इंसाफ कीजिए, आप ही इंसाफ कीजिए ना, झारखंड सबका क्यों? देखिए हमारे कई विधायक हैं जो बाहरी के हैं, हरियाणा बिहार यूपी के हैं और यहाँ जीत गए हैं, क्या मेरे कोई भी व्यक्ति गुजरात महाराष्ट्र में विधायक बने हैं? नहीं ना बने हैं, तो फिर मेरी लड़ाई मेरी माटी के लिए है। आप इसको डाइवर्ट ना करें, आपसे विनम्र प्रार्थना है। किस आंदोलन को बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि डाइवर्ट किया जाए, तो पहले मैं अपना उत्तर दे दूं। पहला मैसेज मेरा क्या रहेगा कि देखिए बहुत सारे साथियों ने मेरा कहा कि मैं आप लोग भोजपुरी मगही के लोगों का विरोध कर रहे हैं, पूरी तरह खंडन करते हैं, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है। पहला बात, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है, आप जानिए उस बात को। हम यहाँ पर कानूनी जो मान्यता मिल रही है झारखंड में, जो भोजपुरी और मगही जो कि बिहार की भाषाएं हैं, यूपी की भाषाएं हैं, उन्हें कानूनी मान्यता नहीं देना चाहते हैं, पहला बात सुनिए। दूसरी बात क्या है, पक्षियों को किसी ने बोलने से रोका है? हमारे भी साथी तमिलनाडु में रहते हैं, वहां दो साथी हैं तो आपस में खोटा कुट मालूम बात करते हैं, किसी ने रोका है? नहीं, बात से किसी ने रोका है। एक बात जान लीजिए, हम कानूनी मान्यता नहीं दे रहे हैं उस पर हमने रोका, क्योंकि ये झारखंड मेरा है, भाषा भाषा से टकराएगी, निसंदेह टकराएगी। तो ये बात क्लियर कीजिए कि किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है, ना किसी व्यक्ति से हमारी लड़ाई है। एक बात सीधा जानिए मेरे साथियों, किसी व्यक्ति से हमारी कोई लड़ाई नहीं। तो मामला क्या है कि हमारी लड़ाई कोई व्यक्ति को लेकर नहीं है। अब देखिए को भ्रम क्या फैलाया जा रहा है, उर्दू भाषी लोग, अरे भाई खतियानदारी मुसलमान रहे, मंडल रहे, महतो रहे, कुर्मी रहे, कोयरी रहे, ब्राह्मण रहे, राजपूत रहे, भूमियार रहे, बनिया रहे या संथाल रहे, झारखंड खतियानधारियों का है, लड़ाई खतियान की है। तो कृपया आपको पहले क्लियर जान ले, बहुत सारे तर्क को समझ नहीं पाते। हम तर्क क्या देते हैं कि लोग कहते हैं, हमें भी घर में सिखाया गया है कि एकता अगर सीखनी चाहिए तो मुसलमानों से सीखनी चाहिए, किसी मुसलमान भाई से। तो हम तर्क क्या देते हैं कि भाषा का इतिहास है कि एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान से संघर्ष किया है, लड़ाई किया है भाषा को लेकर, बांग्लादेश के मुसलमान और उर्दू पाकिस्तान के मुसलमान। हम ये तर्क देते हैं कि भाई भाषा भाषा के आधार पर भेद होता है, एक मुसलमान मुसलमान से लड़ाई भाषा के लिए, हम ये तर्क देते हैं अपने भाषणों में। तो कुछ लोग इसको भी उलूल जुलूल प्रेजेंट कर रहे हैं, इससे भी सावधान रहिएगा, ये तर्क है मेरा। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से निवेदन करूंगा, ये मेरा तर्क है कि भाषा जो आज अतिक्रमण हो रहा है, एक दिन भाषा भाषा से टकराएगी, इसी पे हम तर्क देते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमान दोनों मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का विरोध किया था, विरोध क्या, रक्त बहाया था, किस लिए, भाषा के लिए। तो हम ये तर्क प्रेजेंट करते हैं, अरे झारखंड उर्दू तो झारखंड की राज्य भाषा है, उर्दू भारत की भाषा है, इस बात को समझिए। उर्दू का अगर उर्दू का विरोध कोई दर्शा रहा है तो बिल्कुल इस आंदोलन को डाइवर्ट करने के प्रयास किया जा रहा है। हाँ क्षेत्रीय भाषा है तो आप लोग भी जानते हैं मेरे मुसलमान भाइयों, वीडियो जी हैं आपके बलियापुर के अब्दुल समद, पूछिए उनका खोरठा पेपर था मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा, उर्दू सीखने की भाषा है, हम भी भोजन नहीं खाना बोलते हैं, इकरार तकरार बोलते हैं, ये उर्दू लैंग्वेज है, तो उसको समझना होगा, ये सीखने की भाषा है, मातृभाषा जो किचन में माँ और बेटी बात करती है, और मुझे लगता है मुसलमान के किचन में भी माँ और बेटी उर्दू में नहीं, अगर वो क्षेत्र खोरठा भाषी है तो खोरठा में बात करती है, कुड़माली भाषी है तो कुड़माली में बात करती है, और अगर बंगाल की सीमा से सटा है तो बंगाली में बात करती है। इस बात को आपको समझ, ये लड़ाई खतियान की है, मुख्य लड़ाई खतियान की है, एक बात याद रखिएगा, डोमिसाइल की लड़ाई रहेगी। क्योंकि अभी देखिए एक टीचर ने हमको भेजा, अंदर अंदर ही सूचना मिली कि लगभग हर जॉब जो गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें 50% लोग कब्जा जमाए हैं, वो तो अलग चीज है, यहाँ ठेकेदारी में जाइए, कोलवरी में जाइए, हर जगह कब्जा जमा के बैठे हैं। तो हमारी लड़ाई डोमिसाइल की है, झारखंड में अगर किसी को अधिकार मिले तो झारखंडी को मिले, चाहे वह किसी
बिरादरी का हो, किसी समाज का हो, क्योंकि झारखंडी झारखंड के लिए ही बना है, झारखंड झारखंडी के लिए बना है। सब अपना अपना राज्य है, उन राज्यों में वे लोग नौकरी चाकरी करते हैं, अपना अपना भाषा है, अपना अपना भोजन है, अपना अपना कपड़ा भी है। तो फिर मेरा झारखंड में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, यही लड़ाई है। और एक बार पुनः रिपीट करेंगे, बहुत सारे भोजपुरी के साथी भी फोन किए कि भाई आप भोजपुरी से, जी नहीं, भोजपुरी बहुत सुंदर भाषा होगी, आपके क्षेत्र की भाषा है, भाषा का सम्मान है। हम आपको अपने क्षेत्र में कानूनी अधिकार नहीं देंगे, इसकी लड़ाई है। क्योंकि जो हमारा कोडरमा है, हजारीबाग, गिरिडीह, जो झारखंड के जिले हैं, वो जिला लोग सटा हुआ है बिहार से, और जो सीमा है वहां बिहार के उस पार, जमुई वगैरह कुछ नाम ले रहे हैं साथी, मैं कंफर्म नहीं हूं, वहां भी खोरठा बोली जाती है, बिहार की सीमाओं में खोरठा बोली जाती है। तो मेरे भाइयों क्या बताइए, खोरठा को बिहार में भाषा का मान्यता है? नहीं है, लेकिन वे लोग खोरठा बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार आप कहीं रहें, धनबाद रहें, बोकारो रहें, आप भोजपुरी बोलते हैं, अच्छी बात है, काम धंधा करते हैं, अच्छी बात है, और भी कुछ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको यहाँ कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा। इसकी लड़ाई है भाई, और सीधा लड़ाई एकदम रहेगी, क्योंकि राज का बंटवारा ही भाषा संस्कृति परंपरा के आधार पर हुआ है। जब हमारी भाषा आपके राज्य में नहीं है, तो आपकी भाषा हम क्यों स्वीकार करेंगे? बिल्कुल व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, ना कोई हिंसा की लड़ाई है, ये लड़ाई विचार की है, ये लड़ाई विचार की है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, व्यक्ति व्यक्ति में कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई एक विचारधारा की दूसरे विचारधारा से है, और ये विचारधारा की लड़ाई पूर्णतः अहिंसक लड़ाई है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा, हमारा क्षेत्र है, हम अपने क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आपको भी मानना होगा दादा, इस बात को आप सभी को मानना होगा। आज झारखंड, देखिए मेरे कुछ साथी गुजरात से फोन किए, उन्होंने खाली इतना परिचय दिया कि हम गुजरात से हैं, तो क्या बोला पता है, सॉरी झारखंड से हैं, गुजरात में उन्होंने परिचय दिया कि हम झारखंड से हैं, तो उसको बोला, अरे यार तुम तो इतना अमीर राज्य से है, तो यहाँ नौकरी करने आया अभी, मैंने दिहाड़ी मजदूरी, तो हमें शर्म लगता है, ये सच्चाई है। झारखंड कुछ अमीरों का बन के रह गया है, ऊपर से ये राज्य अतिक्रमण, सब राज्य के लोग यहाँ आके नौकरी कर सकते हैं, यहाँ जाति आवासीय बना सकते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए भाई। सबका अपना अपना डोमिसाइल है, तमिलनाडु में तमिल लोगों का डोमिसाइल बनता है, केरला केरला के लिए है, बिहार बिहारी के लिए है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया के लिए है, उड़िया के लिए उड़ीसा है, तो झारखंड सबका क्यों मेरे साथियों? आप ही इंसाफ कीजिए, आप ही इंसाफ कीजिए ना, झारखंड सबका क्यों? देखिए हमारे कई विधायक हैं जो बाहरी के हैं, हरियाणा बिहार यूपी के हैं, और यहाँ जीत गए हैं। क्या मेरे कोई भी व्यक्ति गुजरात महाराष्ट्र में विधायक बने हैं? नहीं ना बने हैं, तो फिर मेरी लड़ाई मेरी माटी के लिए है। आप इसको डाइवर्ट ना करें, आपसे विनम्र प्रार्थना है, उर्दू वाले भाइयों से, मुसलमान भाइयों से विनम्र प्रार्थना है, उर्दू झारखंड की दूसरी राजभाषा है, एकदम समर्थन सम्मान है, डाइवर्ट नहीं, ये खतियान की लड़ाई है। जो खतियानधारी है, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, मैं सबका सादर आमंत्रित करता हूँ।